हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैन लाइफ इंडियन कपल। सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे हम एक फैमिली की तरह जुड़ सकें। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हमने श्रीनगर में हाउस बोट में चेक इन कर लिया था। डिनर करके हम रेस्ट कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ। 3 hours later हुआ ये कि रात में किड्स को स्वीट डिश खाने की क्रेविंग हुई। हमने बाहर से कुछ ऑर्डर करना चाहा, बट कोरोना कर्फ्यू की वजह से सब जल्दी बंद हो गया था और हाउस बोट का किचन भी क्लोज हो गया था। फाइनली हम अपनी कैरवैन में आए और जल्दी से रेडी होने वाला किड्स का फेवरेट चॉकलेट पैनकेक बनाया। अब यही मैं आपको अपने रोलिंग किचन के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। सबसे पहले हमारे किचन काउंटर के ऊपर एग्जॉस्ट वेंट लगा है, जो कि कैरवैन जैसी छोटी जगह के लिए बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं सिंक पर। इस पर लगा हुआ वुडन कवर हमारे वर्किंग स्पेस को बढ़ाता है और डीप सिंक बड़े बर्तनों को धोने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वाटर मैनेजमेंट के लिए हमने 200 लीटर वाटर टैंक लगाया है, जिसमें 12 वोल्ट की मोटर कनेक्टेड है, जिसको ऑन करते ही फॉसेट में एडिक्वेट प्रेशर के साथ वाटर आता है। फॉसेट के साथ ही सोप डिस्पेंसर लगा है, जिससे काम और भी इजी हो जाता है। दिस कोलैप्सिबल यूटेंसिल ट्रे हैज बीन अ गेम चेंजर इन आवर रोलिंग किचन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग हर दिन की तरह हाउस बोट की सुबह भी बेहद खास थी। आने वाला दिन हमें नई ताजगी और नए सपनों की तरफ ले जा रहा था। हम सभी श्रीनगर को एक्सप्लोर करने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। हमारा हाउस बोट एक लग्जरी 3 BHK अपार्टमेंट के साइज का था, जो कि एक बड़ी फैमिली जिसमें 10 से 12 मेंबर्स हों वो भी इसमें इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं। इसका रेंट 6000 रुपीस पर डे था। हाउस बोट में ही हमने लोकल फ्रेश फ्रूट्स को एंजॉय किया। अब टाइम था डल लेक में घूमने का, जिसको घूमने के लिए एक ही साधन है, शिकारा। कश्मीर में नाव को शिकारा कहते हैं। डल लेक के अंदर एक पूरी दुनिया बसती है, जिसमें लोग रहते हैं और अपना रोजगार करते हैं। इन सुंदर पलों को याद रखने के लिए कश्मीर के ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटोग्राफ करवाना तो बनता है। डल लेक की खूबसूरती को हमने शॉपिंग और कावा पीते हुए एंजॉय किया। शिकारे की राइड ऑलमोस्ट 1 hour की थी और इसका रेंट 500 रुपीस पर पर्सन था। इसमें हमने
11 मेन पॉइंट्स देखे, जैसे मिशन कश्मीर मूवी साइट, लोटस गार्डन, गोल्डन लेक, नेहरू पार्क जहाँ वाटर स्पोर्ट्स कंडक्ट होते हैं, फ्लोटिंग गार्डन एंड मीना बाजार। मीना बाजार एक फ्लोटिंग मार्केट है जहाँ आपको कश्मीरी शॉल्स, पेपर मैशे आर्टिफैक्ट्स, वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, कारपेट्स और लगभग सभी नेसेसरी आइटम्स मिलेंगे। हमने JNK गवर्नमेंट की होलसेल शॉप से थोड़ी शॉपिंग करी। यहाँ शॉपिंग के लिए बहुत वैरायटीज थी। अगर कोई अब हमसे पूछे कि डल लेक क्या है, यह एक खुशनुमा माहौल है, कुछ हसीन पल हैं, जायका है, नज़ारे हैं, प्यार है और मेहमान नवाजी है। इन खूबसूरत पलों को अपनी आंखों में बसाकर हम वापस अपने हाउस बोट में आ गए। चेकआउट करके हम श्रीनगर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं चश्मे शाही, हजरत बल श्राइन, परी महल, शंकराचार्य मंदिर एंड मुगल गार्डन्स। श्रीनगर के फेमस मुगल गार्डन हैं शालीमार एंड निशाद बाग। शालीमार गार्डन को मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी पत्नी नूर जहां के लिए 1619 में बनवाया था। यह बाग स्टेपवाइज बना हुआ है। इसके बाहरी हिस्से को दीवाने आम और बीच वाले हिस्से को दीवाने खास कहते हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा शाही महिलाओं के लिए रिजर्व रहता था। यह बाग 31 एकड़ में बना हुआ है और चारों तरफ से चिनार के बड़े बड़े पेड़ों से घिरा है। श्रीनगर सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद हम फेमस लाल चौक की तरफ निकल पड़े, जहां हम अपने डियर फ्रेंड मिस्टर विक्रम एंड उनकी फैमिली से मिले। मिस्टर विक्रम हैज बीन अ वेरी फैमिलियर फेस ऑन यूट्यूब। उनका लाल चौक में अपना रेजिडेंस एंड होटल है। उनके साथ हमने कैंपिंग के लिए पहलगाम जाने का प्रोग्राम बनाया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहलगाम के लिए निकल गए। श्रीनगर से पहलगाम का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है और ट्रेवल टाइम 2.5 hours है। वैसे इसका एरियल डिस्टेंस केवल 37 किलोमीटर ही है, लेकिन पीर पंजाल रेंजेस के कारण हमें घूम के जाना पड़ता है, जिससे यह डिस्टेंस मोर देन डबल हो जाता है। श्रीनगर से पहलगाम का रास्ता बहुत ही सीनिक था। दोनों साइड में पैडी फील्ड्स थे और हल्की बारिश ने इस जर्नी को और भी खूबसूरत बना दिया था। मिडवे में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आया, जो कि JNK की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। अनंतनाग का मीनिंग है बहुत सारे वाटर स्प्रिंग्स। इस सिटी को क्रॉस करते ही वैली एकदम से नैरो हो गई, माउंटेन्स बहुत ही पास दिखने लगे और हम लिडर रिवर की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए आगे चलने लगे। यह रोड अमरनाथ यात्रा के लिए भी जाती है, जिसमें पहलगाम फर्स्ट बेस कैंप है। यह यात्रा पहलगाम से शुरू होकर चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग लेक, पंचतरनी होती हुई अमरनाथ केव में खत्म होती है। पहलगाम का मतलब है विलेज ऑफ शेपर्ड्स। यह एक फेमस हिल स्टेशन एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि अपने लश ग्रीन मीडोज और प्रिस्टीन वाटरफॉल्स के लिए फेमस है।
इसका ऑल्टीट्यूड 7,200 फीट है। माइथोलॉजिकली इसका एक्चुअल नेम बैलगांव था। माना जाता है कि जब भगवान शिव अमरनाथ गुफा में तपस्या करने गए थे तब अपने नंदी बैल को यहीं छोड़कर गए थे। पहलगाम सिटी में एंटर होने से पहले हमने लिड्डर वैली की खूबसूरती को टी ब्रेक के साथ एंजॉय किया। पहलगाम के नज़ारों को देखते हुए हमने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू की। यहाँ की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। हम जो देख रहे थे उसको शायद कैमरा जस्टिफाई न कर पाए। पहलगांव में घूमने के लिए तीन जगह फेमस है, बिताब वैली, आरू वैली एंड चंदनवाड़ी। इस ट्रिप में हमने बिताब एंड आरू वैली को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया। नाउ इट वॉज टाइम फॉर लंच ब्रेक। कैरेवैन होने का यही एक फायदा है कि हम कहीं भी रुककर खाना बना सकते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और हमारा कैरेवैन रोड साइड में पार्क हो रखा था। वी ऑल वर एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल जर्नी एंड वेदर। After lunch break, we started for Bitab Valley. इस वैली का नाम सनी देओल एंड अमृता सिंह की डेब्यू फिल्म बिताब से पड़ा है। इस वैली का बॉलीवुड के साथ बहुत पुराना नाता है। यहाँ बहुत सी ब्लॉकबस्टर मूवीज की शूटिंग भी हुई है, जैसे सिलसिला, सत्ते पे सत्ता, कभी कभी, जब तक है जान एंड रॉकस्टार। यह वैली पहलगांव और चंदनवाड़ी के बीच में पड़ती है। यह अपने लश ग्रीन मिडोज, स्नो क्लैड माउंटेन्स और डेंस वेजिटेशन के लिए बहुत फेमस है। अनफॉर्चुनेटली हैवी रेन्स की वजह से कंप्लीट वैली फ्लडेड हो गई और हम वैली को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। सो वी डिसाइडेड टू गो टू आरू वैली। अब बारिश रुक चुकी थी और पूरी वैली और भी ब्यूटीफुल हो गई थी। पहलगाम से आरू वैली का रास्ता 12 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही नैरो है, लेकिन आरू पहुंचते ही वैली एकदम से ओपन हो जाती है। आरू वैली इज फेमस फॉर सीनिक मिडोज, लेक्स एंड माउंटेन्स। इट इज ऑल्सो अ बेस कैंप फॉर कोलोई ग्लेशियर एंड तारसर लेक ट्रैकिंग। इस वैली के साथ आरू रिवर बहती है, जो कि लिड्डर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसकी ब्यूटी को देखकर हमने यहीं पर नाइट कैंप करने का डिसाइड किया। बेस्ड ऑन द विंड डायरेक्शंस हमने अपनी गाड़ियों को पार्क किया और अपना कैंपिंग सेटअप को लेआउट किया। आरू वैली की ब्यूटी और गर्मा गर्म चाय का कॉम्बिनेशन वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे शाम रात की तरफ बढ़ने लगी और थोड़ी ठंड भी बढ़ गई। आज के डिनर की जवाबदारी हमने ली, जो कि हमने अपने रोलिंग किचन में बनाया। साथ ही मिस्टर विक्रम ने टेस्टी बारबेक्यू और स्नैक्स से उस रात को और भी यादगार बना दिया। The next morning.
no words to describe the beautiful morning of Aru Valley. Just relax and enjoy the beautiful time lapse. बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस और कैंपिंग दोनों साथ साथ चल रही थी। गरम पोहा और ऑमलेट के साथ हम सब ने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। आरू वैली की खूबसूरती हमें कुछ और पल गुजारने के लिए मजबूर कर रही थी, पर समय की कमी की वजह से हम आरू वैली को दोबारा आने का वादा करके अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। आशा करते हैं कि आपको हमारी अभी तक की जर्नी अच्छी लगी होगी। वी विल रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वी विल कम बैक सून विद मोर जर्नी अपडेट। यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।